नमस्कार, मैं आज बनाऊंगी नेचुरल तरीके से साबुन जो बालों के लिए बहुत अच्छा ही है। मैंने लिया है उसके लिए, ये लिए है आंवला और ये लिया है शिकाकाई और रेशे। ये तीन चीजें मैंने ऑनलाइन ही लिए और ये 200 ग्राम के हैं। ये मिशो से मैंने लिए तीनों चीजें। इनको हम पहले भिगो के रखेंगे। ये हमें बराबर पौने किलो लेने हैं। ये बहुत हार्ड है, अभी ये देखिए टूट भी नहीं सकते, इस तरह के होते हैं। इनको हम भिगो के रखेंगे। हम पानी उतना ही डालेंगे जितने में ये डूब जाएंगे, मगर इनको पूरी रात हमें भिगो के रखना है, उससे ये सॉफ्ट हो जाएंगे। ये हमने 24 घंटे भिगो के रखा था कल रात को, और इसमें से भी कलर आधा निकल गया है। ये डाई का काम भी करता है। अब हम ये कढ़ाई में डालेंगे। मेरे पास ये लोहे की कढ़ाई है, आपके पास जो भी कढ़ाई होगी, स्टील की या बर्तन कोई होगा, कुछ भी ले सकते हैं। इसके लिए गैस ऑन करके किसी भी बर्तन में इसको हमें उबालना है। मेरे पास लोहे की कढ़ाई है तो मैं इसमें उबाल रही हूँ। हम इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे, हो सके तो फिल्टर का पानी डाल देना, क्योंकि जो ये पानी आजकल आता है उससे भी बाल खराब हो जाते हैं, कभी नमकीन आता है कभी कुछ पानी होता है। अब हम इसको फुल गैस रख के पहले उबालेंगे। इसमें ढक्कन भी लगा सकते हैं, ढक्कन लगा के उबालेंगे। ये देखिए इसमें अच्छे से उबाल आया है, अच्छी तरह से ये उबल गया है। इसमें झाग भी आने लगा है, शैम्पू बनने लगा है ये। अब हम गैस को कम करेंगे, पूरा कम करके, और इसके ऊपर ढक्कन लगा के 1/2 घंटे तक हम इसको ऐसे ही उबालेंगे। गैस को पूरा सिम करके 30 या 35 मिनट तक हम इसको उबालेंगे। ये ठंडा हो चुका है, मगर हम पहले इसको थोड़ा सा मस लेंगे अपने हाथों से। हाथों में मगर ग्लव्स पहन लेना, कोई भी ग्लव्स हो हाथों में पहन लेना, क्योंकि इससे काले हो जाते हैं हाथ। ये एक किस्म का डाई का काम भी करता है बालों में। अगर सफ़ेद बाल होंगे तो काले हो जाएंगे ये लगाने से, इसीलिए हम इसको पहले अच्छे से मस लेंगे। वैसे ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं सारे, फिर भी हम थोड़ा सा इसको पूरा शैम्पू निकालेंगे। बस इसको मस लिया हमने। अब हम लेंगे एक बाउल और लेंगे चाय की छन्नी। इसमें हम इसको अच्छे तरह से निचोड़ेंगे, ये छिलके विलके इसमें नहीं डालेंगे हम, या कोई भी पुराना कपड़ा हो कॉटन का या मलमल का, उसमें भी हम इसको ऐसे निचोड़ लेंगे। हमें सिर्फ ये निकालना है शैम्पू, एक पूरा शैम्पू बन गया। मैंने ये सोप बेस लिया हुआ है, मगर ये मुल्तानी मिट्टी की है, मिशो से लिया है, और ये है खादी इंडिया मुल्तानी मिट्टी। इसमें प्लेन बेस भी मिल जाता है, मगर ये मुल्तानी मिट्टी गर्मियों में अच्छी रहती है, इसलिए मैंने ये ही लिया है। प्लेन बेस भी लेना चाहे वो भी मिल सकता है। इसको मैं पहले ऐसे काटूंगी पीसेस में, इजिली कट जाता है ये ऐसे। मैं बनाऊंगी ये साबुन, मगर बालों के लिए शैम्पू बनाया है, उसी शैम्पू से मैं अब सोप बनाऊंगी। हमें पहले इसको मेल्ट करना है, उसके लिए हम लेंगे एक पतीला। ये हमने एक पॉट लिया हुआ है, हम गैस को ऑन करेंगे और इसमें हम पानी डालेंगे 1/2 पतीला। इसको हमें अच्छे से पहले उबालना है। ये पानी अच्छे से उबल रहा है, हम इसमें ये दूसरा पतीला रखेंगे जिसमें हम ये सोप डालेंगे और इसको हमें मेल्ट करना है। ये मेल्ट हो चुका है पूरी तरह से। अब मैं इसमें ये डालूंगी आंवला शिकाकाई, उसको जो मैंने बनाया था शैम्पू टाइप का, वो मैं इसमें डाल दूंगी।
इसको अब हम फटाफट ही मोल्ड में डालेंगे। वो सोप मोल्ड आते हैं मार्केट में, मगर मैंने लिया हुआ है ये प्लास्टिक का एक, इसमें फटाफट डालेंगे नहीं तो ये सेट हो जाता है। और मैं इसमें ले लूंगी, ये सिलिकॉन का है। इसको अब हम फ्रीजर में रखेंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद मैंने ये निकाला सोप इसमें से, देखिए कितनी अच्छी है ये सोप बालों में लगाने के लिए, इसमें से भी इजीली निकल जाता है और शेप भी अच्छी आई है। आप सोप मोल्ड भी ले सकते हो, उसमें भी बना सकते हैं। इनको बालों में लगा लेना, बाल बहुत ही सिल्की और शाइन वाले बन जाएंगे इससे। इसमें झाग भी आता है, ये देखिए।